कोरोना काल के दौरान प्रदेश के कई अस्पतालों में प्रधानमंत्री केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे और इन ऑक्सीजन प्लांट में योग्यता वाले ऑपरेटरों को ट्रेनिंग भी दी गई थी। लेकिन इन सभी ऑपरेटरों का कहना है कि एक साल बीत जाने के बाद भी इन ऑपरेटरों की पदों पर नियुक्ता नहीं की गई है, जिसके चलते यह सभी ऑपरेटर जिला कलेक्टर पहुंचे और अपना विरोध प्रकट करते हुए प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर पर मौजूद ऑपरेटर लक्ष्मी नारायण प्रजापति ने बताया कि पीएससी में उन्हें ट्रेनिंग दी गई लेकिन अभी तक किसी भी ऑपरेटर को नियुक्ति नहीं दी, जिसके चलते सभी ऑपरेटर अनुभव होने के बाद भी बेरोजगार बैठे हैं। इन ऑपरेटरों का कहना था कि अन्य राज्यों की सरकारों ने अपने यहाँ नियुक्तियाँ दे दी है लेकिन राजस्थान में किसी भी अनुभवी को नौकरी नहीं दी गई। इसी विरोध के चलते प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर इन ऑपरेटरों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाया है। हाँ, मेरा नाम लक्ष्मी नारायण प्रजापत उदयपुर से। हमने क्या है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन प्लांट में जो पीएम केयर से जो प्लान लगे थे केंद्र सरकार से, उसमें हमने ट्रेनिंग की थी। कोरोना में पहले ऑनलाइन ट्रेनिंग दिलाई थी, फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग दिलाई थी, तो उसके बाद हमें ओजीटी कराई थी। 25 दिन तक हम 4-4 घंटे यहाँ आए थे और एक महीने हमने ये ट्रेनिंग करी 100 घंटे की। तो उसके बाद हमें बोला कि आपको ज्वाइनिंग देंगे ऑक्सीजन प्लांट में, बट अभी तक कोई ज्वाइनिंग नहीं दी। हम साल भर से घर ही बैठे हैं और जो ऑक्सीजन के प्लांट है वो भी प्लांट बॉय और वार्ड बॉय ये चला रहे हैं और शॉर्ट सर्किट हो रहे, अनपढ़ है। और हम क्या है कि योग्यताधारी है, ऑक्सीजन प्लांट चलाने के लिए योग्यता है हमारे पास और 180 घंटे का सर्टिफिकेट है, प्लस हम ITI पास आउट है। और इसी प्रकार कोरोना में पूरे राजस्थान में 386 कैंडिडेट थे, सबको ट्रेनिंग दिलाई गई थी। और अब की बार क्या है कि जो आज पूरे राजस्थान में हर जगह हर कलेक्टर को हम ज्ञापन दे रहे हैं, हमने भी हमारे उदयपुर में ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को और ये ऑक्सीजन प्लांट के लिए ज्वाइनिंग के लिए शीघ्र से शीघ्र हमारी ज्वाइनिंग कराएं। हम क्या घर पे बैठे हैं, बेरोजगार है। हमने 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी छोड़ के हमने इसमें ट्रेनिंग करी थी और हमें बोला कि साल भर से कि आप भी देंगे ज्वाइनिंग, आप देंगे ज्वाइनिंग। केंद्र सरकार से हमारे पद सज्जित करके दिए गए हैं, बट राजस्थान सरकार से हमें कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। बस यही बता रहे हैं कि आपको ज्वाइनिंग देंगे, बट अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है और हम घर बैठे हैं, बेरोजगार है और कोई आश्वासन नहीं दिया। वही और 180 घंटे ट्रेनिंग और प्लस ITI का सर्टिफिकेट हो, वही ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेटर चला सकता है। बाकी ये गवर्नमेंट ने आदेश दे रखे हैं, बट अभी तक हमारे कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है। वो जो पीएम केयर प्लांट ऑक्सीजन प्लांट,